सत श्री अकाल, मेरा नाम रश्मि है। साढ़े नाल पेशेंट है मिस मनदीप कौर। उन्होंने 19 दिन पहले सबटोमिनिक एसिड बाईपास सर्जरी कराई सी। पहला डाउन सिंड्रोम के पेशेंट है। इन्होंने मदर ने डिसीजन लिया, असं इन्हों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इन्होंने एडा वाला डिसीजन लिया है, कि फील कर रहे हो। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी, मैं मनदीप, मदर ऑफ मनदीप। मेरा नाम है गुजरन कौर सुगो। मैं अपनी बेटी लिए बहुत हैप्पी है कि जो भी मैं करवाया ऑपरेशन के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है जी। आप किस जगह तो बिलोंग करते हैं? हाँ जी, मैं जो के तो आई हूँ जी, इतने हुशियारपुर तो बिलोंग करते हैं। अच्छा जी। मैम तुम जम्मू हॉस्पिटल बारे कितों पता लगे? हाँ जी, मैं ना बहुत लोगों तो सुने से, इतने सारे गर्शन कर भी हुशियारपुर भी उन्होंने तो सुने से भी असं ऑपरेशन में उन्होंने देखा से। पहला वो काफ़ी जो तो पिछले 2 साल होए तो काफ़ी मोटे से। मैं उन्होंने पूछा भी तुम कि बदले हुए इदा, तो उन्होंने मैंने दसिया भी अस उस जम्मू हॉस्पिटल गए हैं। तो फिर मैं बैंक होर तो भी पता लगे से, मैं पेपर एडवरटाइज भी पढ़िया से। मैं बहुत लोगों को क्योंकि मेरी डॉक्टर स्पेशल है डाउन सिंड्रोम, ये करके मैं बहुत इनक्वायरी करनी पैनी सी। फिर इनक्वायरी की सारे पूछा, वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं तुम कराओ, इस करके फिर मैं डिसीजन बनाया। जी ठीक है। मैम मनदीप की प्रॉब्लम आ रही है कि ऑपरेशन भी डिसीजन लिया? हाँ जी, सब तो पहले मैं खाने की बहुत प्रॉब्लम होती सी, खाने की बहुत सी कंट्रोल को बिल्कुल नहीं सी। तो फिर बस डरते डायबिटिक ना हो जाए, फिर बहुत कभी बहुत प्रॉब्लम हो गई सी, हम तुर नहीं सी सकती। उहदे करके फिर सानू डिसीजन लैना पिया। कितना वेट सीगा मनदीप दा ऑपरेशन तो? हाँ जी, 96 सी। ठीक है जी। 19 दिनों में कितना वजन घटाया है? मैंने 11 किलो 17 तो लैके नवंबर तो देख लो। अच्छा जी, हुण तुहानू वधिया लग रहा है मनदीप? मैं बहुत खुश हां। हाँ जी, हाँ कंफर्टेबल है। सर्जरी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कि हुण भी इन्ने खाने की डिमांड कर रही है? थोड़ा खा के सर्जरी सही हो जाती है। बहुत थोड़ा खाती है तो कंट्रोल करती है, तो कोई रविश फूड नहीं खाती, तो हेल्दी फूड खा रही है। ठीक है। तुसी इतना बड़ा डिसीजन लिया, तुसी अपने डिसीजन नाल खुश हो? हाँ जी, मैं बहुत खुश हाँ। मेरी फैमिली ने मैंने सपोर्ट की, मैं ਲੈਣਾ ਸੀ ਡਿਸੀਜਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਫਸਟ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ नहीं जी। मैम तुम अपनी बेटी लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग इंडिया में बाहर भी है जो मोटापे नाल रहिंदे आ पर डरते ऑपरेशन के ना तो तुसीं छोटा जिहा मैसेज दोगे कि उन्हां नूं ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? हाँ जी, जरूर करवाना चाहिए वा। देखो मैं अपनी बेटी नॉर्मल भी नहीं सी, मेरे लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया। जे तुहाडे कोल कोई भी बीमारियां तो बचना चाहुंदे हो, तुहाडे कोल कंट्रोल शक्ति खाण दी नहीं हैगी, तुसीं जरूर यह कराओ ऑपरेशन, जरूर बाईपास कराओ तुसीं। ठीक है जी। मैम बहुत सारे लोग जिहड़े है बाहरों आके डरते हैं कि इंडिया में इदा ना हो जाए, हॉस्पिटल में साडा कुछ गलत ना किया जाए। तुसीं एक्सपीरियंस नाल दसोगे कि तुहानूं की लगता है कि इंडिया में इलाज कराना चाहिए जम्मू हॉस्पिटल आके? नहीं, डरन की कोई लोड़ नहीं। तो बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है, कोई तो तुहाडे सामने तुसीं देख सकते हो ऑपरेशन किद्दां करदे। डरन की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुसीं जो भी किसी नूं प्रॉब्लम है जरूर अपना कराओ। ठीक है जी, थैंक यू। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।